डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 168.19 रुपए से 168.72 रुपए पर बंद हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया, डॉलर 80 पैसे इजाफे से 169.60 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला जारी, अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% बढ़ाकर 7.25% कर दी गई। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स ने गंदम पॉलिसी मुस्तरद कर दी। फ्लोर मिल्स ने सरकारी गंदम कोटा उठाने से इनकार कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है, 4 बोरी गंदम से फ्लोर मिल्स नहीं चल सकती, अपनी गंदम की पिसपाई करेंगे। पंजाब की जो वीट रिलीज पॉलिसी है वो आज आ गई है और वो नहायत ही नाकाबिले कबूल है, जिसमें 1950 रुपए गंदम का रेट रखा गया है और 1100 रुपए आटे का रेट रखा गया है। और मैं एक बार आप फिर जो साउथ पंजाब के साथ जो स्टेली मामला सलूक किया गया है, भीख नहीं तो नौकरियां थे। रहीम खान ख्वाजा सराओं का नाच नाच कर एहतजाज, गले में रोटियां डाली, बिजली के बिल भी जलाए, कहते हैं भीख मंगवाना खत्म करना है तो उनको नौकरियां दी जाए। ताली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एंट्रीज का मामला, एफआईए मुल्तान इनएक्शन, कोरोना वैक्सीनेशन के 2 सेंटर्स पर कार्रवाई, अमले के 8 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और कायद आजम अकेडमी गुलगर्ज सेंटर से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। गर्मी के सताए जनूबी पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने जुमेरात से जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला जुमेरात से हफ्ते की रात तक जारी रहेगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, भक्कर, लैया, बहावल नगर, साहिवाल और खानपुर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्तानियों को गंदगी के ढेरों से निजात न मिल सकी। शाहिन मार्केट और आवान चौक समेत अहम चौराहों पर कचरे के ढेर। मुजफ्फरगढ़ के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह गंदगी जमा। झंग मोड़, स्टाफ कॉलोनी, लेबर कॉलोनी, गौस कॉलोनी, गार्डन रोड, पुरानी घास मंडी चौक पर सफाई न होने के बराबर। बदबू और ताफुन के साथ ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। मकीनों का फल्स डिपू को शहरी आबादी से बाहर बनाने का मुतालबा। अजन इधर जल्दी से कोई पूछता नहीं इस जगह को, ठीक है ना, कोई फेंक जाता हर कोई और गाड़ियां आती, बहुत कम लोग उठाते हैं और दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि चलो ये जो इसकी जगह है, जहां इसका सेटअप बना है, वहीं लेके जाए। मुल्तान में करोड़ों रुपए लूटने का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 7 मोबाइल फोन, कार और रिकॉर्ड बरामद, मुकदमा दर्ज। स्कैंडल का मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 10 करोड़ से ज्यादा की रकम लूटी गई। डेप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम विंग की तस्दीक। मियांवाली में इंतजामिया की गफलत या दोहरा मियार। वज़ीर आज़म के हल्के इंतखाब में तरक्याती काम जोरों से जारी। साबिक हुकूमत में शुरू किए गए मनसूबे ताहाल तबाह का शिकार। चापड़ी ता कमर मुशानी रोड पर तामीर होने वाला पूरा पुल शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 7 साल गुजर गए मगर पुल ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा। जनूबी पंजाब में बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, महकमा खजाना ने 4 महकमों की नई आसामियों की मंजूरी दे दी। महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की 53 नई और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब की 71 आसामियां तख्लीक। महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब की 59 और महकमा प्राइमरी हेल्थ जनूबी पंजाब की 74 नई आसामियों की मंजूरी से महकमे जनूबी पंजाब में कायम किए जा सकेंगे। टीएच के अस्पताल फोर्टाबाश में 3 बच्चों की हलाकत का मामला, इंक्वायरी में डॉक्टर दानिश को मुलाजमत से बर्खास्त करने पर अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बन गए। ओपीडी बंद, दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात। मुजाहरीन का दोबारा इंक्वायरी करके असल हकायक सामने लाने का मुतालबा।
हेल्थ वेलफेयर कमेटी सोशल वेलफेयर के पास फंड की कमी का मामला, रजिस्टर 400 मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम। हेल्थ वेलफेयर कमेटी ने मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बैतुल बांध से फंड का मुतालबा कर दिया। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के तालिबात का हॉस्टल फीसों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 3 सेमेस्टर घर गुजारे हैं, विमेन यूनिवर्सिटी इंतजामिया फीसें वापस करे। सरकारी यूनिवर्सिटियों ने भी फीसें वापस की। जनूबी पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार का इम्कान, रवा साल अब तक 8 लाख गांठें हासिल की गई। काश्तकारों के मुताबिक हर साल 4 से ज्यादा स्प्रे होते थे, रवा साल सिर्फ 3 स्प्रे किए गए। और मुल्तान में आम के हवाले से महकमा ज़राअत का अहम इकदाम, सेक्रेटरी ज़राअत ने आम के इंटरनेशनल मार्केट बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया। आम को बैन अक्वामी मार्केट में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वसी पैमाने पर बेचने पर गौर। जनूबी पंजाब के आम को जदीद तरीका इस्तेमाल से फरोख्त किया जाएगा।